एवरीवन, देखिए मेरे हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं। ये ना कहीं जाने वाले थे और अभी देखिए स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज है संडे और अभी सुबह के करीब 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है। तो अभी आज मेरे हस्बैंड है जो भोरे करीब 5 भी नहीं बजे होंगे, 5 बजने में करीब 10-15 मिनट बाकी था, तो वो घर पहुंच चुके हैं। और मैंने ना उनसे कुछ मंगाया था, क्या मंगवाया था दिखाती हूँ आप सभी को। देखिए ये वो थैला है जो वो पकड़ के लाए हैं। और ये बस में आते हैं ना, तो बस में उन लोगों को मिलता है एक लेस का पैकेट, बिस्लरी। और मैंने ना मटर मंगवाए हैं बिहार से, क्योंकि वहाँ अभी शायद कम है यहाँ के मुकाबले, मतलब 60 रुपीज़ बोल रहे थे और यहाँ करीब 80 या 100 है कहीं। तो मैंने कहा कि ले आइएगा, तो वही वो लेके आए हैं। आज मैं मटर आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने वाली हूँ संडे स्पेशल, तो उसी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये मटर ना कुछ ये छाट के भी नहीं लाए हैं, देख सकते हैं। आज यही बनाने वाली हूँ मटर आलू की सब्ज़ी और पूरी बाहर चूल्हे पे। अभी समय है और अभी दो सोनल पढ़ाई कर रही है, प्लस दोनों बाबू और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे हैं। तो अभी उन लोग उठने तक मैं फटाफट से पूरी आलू भाजी बना देती हूँ और उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, बाबू ना उठ चुका है और मैंने मटर छीले हुए थे, उससे वो खेल रहा है अभी। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो मैं आज आलू मटर बनाऊंगी मिक्स, उसकी सब्ज़ी। और ये मेरे ख्याल से लगता है ना, हम लोग इससे पहले एक ही बार केवल मटर लाई थी, उसमें 25 रुपये पाव था मेरे यहाँ, और बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ पे। तो फिर मैंने एक ही बार लाया था, वो भी 1 पाव। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को पूछा कि वहाँ कितने में है, तो वो इतना कम लगा, तो मुझे सोचा चलो मंगा ही ले आती हूँ। तो फिर करीब 1 केजी मैंने मंगाया हुआ है। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम इस सीज़न का इतना अच्छा से मतलब मटर आलू खाने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा पिछली बार लाए थे 1 पाव, तो बहुत कम था हम लोग के लिए। तो मटर आलू की सब्ज़ी वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है और सबको पसंद होगी, क्योंकि ये है वाकई में बहुत टेस्टी बनता है। और सीजनल सब्ज़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पैकेट वाले जो मिलते हैं ना, वो उतने ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगते हैं जितना कि ये सीजन वाले जो मटर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मटर है हमारा, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है एकदम। और उसके बाद अभी देखिए मैंने थोड़ा सा सरसों तेल लिया है, उस पर मैंने मस्टर्ड के जो सीड्स आते हैं, सरसों के दाने, वो मैंने डाल दिए हैं। और उसको थोड़ा सा चटकने के बाद यहाँ मैंने थोड़े से बारीक कटे प्याज और मिर्च लिया है। और उसको हल्का सा भून लेने के बाद यहाँ पे सारे जो ड्राई मसाले आते हैं, जैसे जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये सबको मैंने करीब 30 सेकेंड के लिए मतलब हाफ ऐसे थोड़ा भून लिया था मैंने। 1 मिनट भी नहीं लगा था मुझे। और जब हमारे मसाले भून गए थे, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं आलू, बॉयल्ड आलू है, जिसको मैंने चाकू से कट नहीं किए थे, बस ऐसे ही हाथों से हल्का मैश कर लिया था। उसके बाद डाल दिया मैंने कढ़ाई पे। और यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो मैं वहाँ पे बगल में बैठ के चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, सुबह का नाश्ता। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड क्यारियाँ बनाने में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग का ये काम पूरा करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मतलब पेपर वगैरह में लगातार आउट हो रहा है कि बारिश फिर से होने वाली है। और इससे पिछले बार साइक्लोन आया था, उसकी वजह से बारिश हुई थी ना, उस वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी हम लोग का यहाँ पे गीला हो गया था, उसकी वजह से हम लोग लगा ही नहीं पाए थे कोई भी सब्ज़ी वगैरह। तो आज हम लोगों ने पूरा डिसाइड किया हुआ था कि आज यहाँ पे लगाना ही है। तो मेरे हस्बैंड उधर तैयारी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा आलू फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें डाल दे रहे हैं हमारा मटर और इसको एक बार अच्छे से चला लेना है। साथ में अभी इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में मटर फ्राई करी थी जब मैं, तो मैंने नहीं डाला था नमक, क्योंकि नमक डालने से ना मटर फिर टूटने लगते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मतलब ऐसे पूरा सिंगल सिंगल गोटा जो मटर आता है ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने नमक डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसके बाद अभी हम डाल दे रहे हैं एक मीडियम साइज़ का टमाटर, और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करके करीब 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है इसको अच्छे से। और यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 मिनट बाद में यहाँ पे ढक्कन हटा रही, तो टमाटर भी गल चुके हैं और आलू मटर भी बहुत अच्छा से भून चुका था। तो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और पूरी के साथ खाने वाले हैं हम लोग, तो फिर एकदम रस्सेदार मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। एकदम सूखा सूखा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, रस्सेदार रहता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है लास्ट में, ताकि इसका स्वाद बना रहे। और बस यहाँ पे मेरा मटर आलू की सब्ज़ी है जो बिल्कुल रेडी है। बस इसे 2 मिनट ढक के इसे उबाल लाना है, और हमारा मटर आलू है वो जो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मटर आलू रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, ताज़ी एकदम धनिया पत्ते थी। और बस मेरा यहाँ सब्जी रेडी है। देख सकते हैं आप लोग, भाप की वजह से उतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा, एकदम सिंपल तरीके से, ज़रूर मज़ा आएगा। और यहाँ पे अब बस मेरा यहाँ पे मटर की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं मटर की सब्ज़ी को साइड करके फिर मैं यहाँ पे तेल की कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और इससे एक दिन पहले मैंने कल शाम में मैंने बनाया हुआ था ये पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने से क्या होता है ना, उसके चूर चूर निकल ही आते हैं कढ़ाई में, तो वही सब मैं साफ़ करके फिर यहाँ पे पूड़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मटर आलू की सब्ज़ी बिल्कुल तरी वाली रेडी है बन के, पूड़ियाँ भी बन के रेडी है। बच्चे लोग पहले ही खा चुके हैं, और अभी हम और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। बारी में हम लोग कुछ भी अभी तक लगाए नहीं है, क्यारियाँ बना के बस रेडी है। और बस यहाँ पे हम लोग नाश्ता करके फिर बारी के काम में लग जाएंगे। तो यहाँ पे बाबू दूध पी रहा है, और यहाँ हम दोनों नाश्ता कर ले रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी थी, और मटर आलू की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे भी हम लोग नाश्ता कर ले रहे हैं। अभी हम लोग का नाश्ता हो चुका है। और बाबू कहाँ जा रहे हैं? सोनल और बाबू दोनों अभी नहा लिए, और हम लोग का अभी ठंडा ख़त्म नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड देखिए बारी में काम कर रहे हैं, और हम देखिए ये सब लगाने वाले हैं बिज्जा। क्या क्या है ये? है बटरा, सेम्बी और बीन्स है। यहाँ पे राई साग है, और ये धनिया है, ये है सरसों, और ये है पालक। और यहाँ देखिए ये है मूली, और ये है मेथी। कुछ इतना सब कुछ हम लोग लगाएंगे अभी, लेकिन इस पर हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और कोई का कितना उग गया होगा, लेकिन हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। बीच में बारिश आ गया था, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गीला हो गया था इस वजह से। तभी हम लोग चलते हैं, यही सब चीज़ लगाते हैं। चला जाए तब, अभी हम लोग लगाने जाते हैं। बन के रेडी है हम लोग का, क्या बोलते हैं इसको? क्यारी नहीं, थाला और छोटा छोटा क्यारी। इस दोनों में मेथी लगाएंगे, इस दोनों में मेथी और इसमें पालक। तो यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड ने छोटा छोटा थाला बना दिया है, और उसमें इस तरह से लाइनिंग कर दिए हैं, क्योंकि ऐसे लाइनिंग करके साग उग लगाने से ना, जब वो उगते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उन्हें उखाड़ने के लिए, और काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग के पास भी छोटी सी भी जगह है ना, ऐसे मिट्टी का जगह है, तो आप लोग भी कोई ना कोई सब्ज़ी ज़रूर लगाएं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से बीज डाल के फिर हाथों से ही इस तरह से मिट्टी से ढक दे रहे हैं। तो बस हम लोग का कुछ ही समय बाद फिर ये उगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम लोग लगाने जा रहे हैं पालक। पालक बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन हम लोग इसको आधा लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का सारा लग चुका है और अभी हम लोग इसको छेक देंगे क्योंकि हम लोग का जो डॉगी है ना, फिर वो आ जाता है इधर और गंदा कर देता है, इसी के लिए। तो लग गया सारा चीज़। इन दोनों में मेथी, इसमें क्या लगाए हैं हम लोग, इसमें क्या लगाया है, सरसों। ये दोनों में सरसों ना, और उसमें राई साग, इसमें पालक साग और उसमें मूली, और ये दोनों में हम लोग को धनिया लगाना है पर अभी नहीं लगाएंगे। धनिया है उसको रात भर फुला के उसके बाद लगाएंगे, उससे धनिया जल्दी निकलता है। हो गया हम लोग का काम ख़त्म, बस ये वाला काम बाकी है, इसको हम लोग को छेका डालना है। चलिए बताइए क्या खा रहे, बताइए। मुँह से हटा के उसको निकाल के, हाँ बताओ क्या खा रहे हैं। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप खा रहा है सीनू। तो हम लोग का आज का ये बारिल का काम खत्म हो गया। इसको हम लोगों ने अच्छे से छेक भी दिया है, यहाँ से खोल के हम लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। और उधर पूरा छेक लगा दिए हैं, कुत्ता के चलते छेका लगाना पड़ रहा है और बाबू के चलते नहीं तो नहीं लगाना पड़ता। तो चलिए मैं आप लोग से मिलती हूँ, अब नहा के खाना भी मुझे बनाना है, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। क्या बना रहा है तुम लोग, जल्दी बताओ। फू दिखाओ। हेलो एवरीवन, तो अभी देखिए हम लोग का लंच रेडी हो गया है, बस पापड़ फ्राई करना है। तो ये लोग से चूल्हा जल नहीं रहा है। और ये रहा हम लोग का लंच, चावल, चना दाल का तड़का, मूली का सैलेड, और ये सुबह की मटर आलू की सब्जी। चलो आ जाओ सब कोई, आ जाओ। सीनू, सीनू बाबू, गरम हुआ, गरम हुआ बोल रहे हैं। खाना वाना खा के सारा काम ख़त्म हो गया है। पानी बस नहीं पिए थे और बर्तन धो रही थी मैं, तो बर्तन भी धुल गए हैं अब सारे। ये देखिए मेरे बाबू का काम, उसको फ़ोन दे दिए हैं हम लोग। खाना खाने टाइम में थोड़ा कभी कभी नौटंकी करता है तो देना पड़ता है। और यहाँ पे हम पानी पी रहे हैं और आग ताप रहे हैं, इसमें आग तो नहीं जला रहे बट आग है। हेलो एवरीवन, देखिए मेरे हस्बैंड क्या काम कर रहे हैं। ये ना कहीं जाने वाले थे और अभी देखिए तैयार होके झाड़ू कर रहे हैं। किसके लिए झाड़ू कर रहे हैं बताइए। बताइए, मेहमान आ रहा है। एक्चुअली इनको फोन आया कि कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत जो कचरा था ये उसी को झाड़ू कर रहे हैं। और अभी ना ये बाहर जाने वाले थे। तो अभी देखते हैं कौन है, हमको भी नहीं पता कौन आ रहा है। तो हमें बहुत हंसी आ रहा था, कितना तैयार व्यार होकर झाड़ू कौन करता है। हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है शाम का समय, शाम के करीब 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। और गेस्ट आए थे मेरे, क्या बोलेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड के वो जो हैं मामा मामी भी लगते हैं और फूआ फूफा भी लगेंगे, इस तरह से रिश्ता है। तो वो लोग अपना बेटी का शादी कार्ड देने आए थे। हेलो एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 9:15। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना पहन वहन के कहाँ जा रही हूँ, तो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने जा रही हूँ। उनकी बस है करीब 9:30 बजे, तो चलिए नहीं तो लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। कितना बजे है? 9:30 बजे ना। चलिए चलिए 9:15 हो गया। लोग जा रहे हैं स्कूटी से, होगा। हेलमेट पकड़ ले क्या? और देखिए बाराती सुनाई दे दिया बीच बीच में। एवरीवन, तो अभी देखिए 9:45 बज गया है, करीब 15 मिनट लग ही जाता है जाने आने में। जाने आने में नहीं, मतलब अगर जाम नहीं मिलती है तो 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में। और आजकल क्या है ना, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो बीच बीच में ना बाराती लोग मिलते रहते हैं बहुत सारा। मतलब 3 या 4 बाराती ग्रुप हम लोग को मिला, तो उसकी वजह से वैसे जाम नहीं था पर थोड़ा बहुत था, इस वजह से लेट हो जाता है। तो फाइनली मैं अभी जस्ट घर घुस रही हूँ और बहुत ज़्यादा कचरा धूल आँख में चला गया है। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।